अगली खबर आ रही है उज्जैन से, जहां माधव नगर थाना अंतर्गत कंचनपुरा रहने वाले एक छात्र का अपहरण गुरुवार को हुआ था। बदमाशों ने मोबाइल पर मैसेज देकर 50,000 रुपए मांगे थे। परिवारजनों ने दिए गए अकाउंट नंबर पर 3 बार में 50,000 की राशि भी डाल दी थी। इसके बाद बदमाशों ने शुक्रवार शनिवार दरमियानी रात करीब 2 बजे सुमराखेड़ा रेलवे स्टेशन से आगे ट्रेन से फेंक दिया। छात्र के कपड़े भी बदमाशों ने उतरवा लिए थे। रेलवे ट्रैक पर रात में पैदल चल छात्र ने स्टेशन पहुंचकर परिवार को मोबाइल पर सूचना दी। पुलिस रात में ही छात्र को लेकर थाने आ गई है। माधव नगर थाना अंतर्गत कंचनपुरा क्षेत्र में रहकर आर्मी की तैयारी कर रहे नांदेड़ निवासी 20 वर्षीय नितेश माधव कॉलेज में बीए फाइनल का छात्र है। इधर नितेश की गुरुवार शाम से घर नहीं लौटा था। वहीं शुक्रवार को उसके छोटे भाई विकास के मोबाइल पर अज्ञात व्यक्ति का मैसेज आया कि नितेश का अपहरण कर लिया है, 50,000 रुपए नितेश के खाते में डालो नहीं तो उसे मार देंगे। मैसेज मिलते ही परिवार वालों ने 3 बार में 50,000 रुपए डाल दिए थे। रुपए डालने के बाद भी नितेश नहीं लौटा तो पुलिस को सूचना दी थी। छात्र के अपहरण का पता चलते ही पुलिस एक्शन में आ गई। पुलिस हर बिंदु पर जांच ही कर रही थी कि शुक्रवार शनिवार दरमियानी रात करीब 2 बजे नितेश के सुमराखेड़ा स्टेशन पर होने की सूचना मिलने के बाद देर रात को पुलिस परिवार के साथ ही उसे सुमराखेड़ा से थाने लाई है। खास बात यह है कि अपहरण करने वालों ने कंप्यूटर से जुड़े मोबाइल से मैसेज किए हैं, जिससे कि कोई जानकारी नहीं मिल सके। इसी तरह राशि नितेश के अकाउंट में आने के बाद ही तुरंत एक अन्य अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे थे। इससे स्पष्ट है कि बदमाश साइबर के जानकार हैं। पुलिस ने नितेश का मेडिकल कराया है, अब उसके बयान दर्ज किए जाएंगे। CSP विनोद मीणा ने बताया कि युवक को थाने ले आए हैं, पूछताछ के बाद खुलासा होगा। हालांकि उसके शरीर पर चोट के निशान नहीं है। नितेश को गेमिंग की लत थी। पुलिस अपहरण कांड में गेमिंग लत को लेकर भी जांच कर रही है। युवक के बयान होने के बाद जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि अपहरण की घटना में कितनी सच्चाई है।